है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंखों के कैंसर कोरिएटल मेलेनोमा की सर्जरी अब एम्स में गामा नाइफ थेरेपी के जरिए हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां इस तकनीक के जरिए आंखों के कैंसर की सर्जरी होती है। कोरिएटल मेलेनोमा आंखों के पिछले हिस्से में होता है। देश में इस कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आंखों के अंदर पाया जाने वाला कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब नई दिल्ली के एम्स में हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां गामा नाइफ थेरेपी के जरिए आंखों की कैंसर की सर्जरी हो रही है। इस थेरेपी के जरिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर ये पाया गया है कि ये कैंसर जो है फेयर स्किन जिन लोगों की होती है, फेयर स्किन लाइट आईज, उसमें ज्यादा कॉमन, वैसे तो ऐसे ही रिपोर्टेड है। बट हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इसके काफी केसेस अभी एम्स में आ रहे हैं। तो ये इस तरह का ये जो आई कैंसर है ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्स बीते 2 साल से गामा थेरेपी के जरिए आंखों के कैंसर का इलाज कर रहा है। अब तक 15 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। पिछले 2 साल से आंखों का कैंसर का इलाज गामा नाइफ के द्वारा ये भारतवर्ष में आई थिंक सिर्फ हमारे सेंटर में हो रहा है। पहले वो जो ट्रेडिशनल इलाज चलता था ब्रेकी थेरेपी, जिसमें कि वो एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिलीजिंग सब्सटेंस आँख में डालते थे और वो एक इन्वेजिव तरीका है करने का इलाज और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। गामा नाइफ से ये एक नॉन इन्वेजिव हो जाता है, मतलब इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली में हर महीने 2 मरीज कोरोइडल मेलेनोमा ट्यूमर के आते हैं। देश में 40 साल के उम्र के लोगों में ये कैंसर देखने को मिल रहा है, जिसे नियमित जांच के जरिए ही पकड़ा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि गामा नाइफ थेरेपी के जरिए 80% मरीजों में ट्यूमर नियंत्रित हुआ है। नितेंद्र सिंह, DD News, दिल्ली।